दोस्तों आपने देखा होगा कि वाइफ अगर दूसरे स्टेट से है तो अपने उसे स्टेट में जाकर केस फाइल करती है और हस्बैंड ने कोई केस फाइल किया है तो उसको भी ट्रांसफ़र करवाती है ऐसे में हस्बैंड की परेशानी ये होती है कि उसको दूसरे स्टेट में जाकर के चक्कर काटने पड़ते हैं काफ़ी टाइम और पैसा उसका वेस्ट होता है कोई काम बिजनेस या नौकरी वो भी सफर होती है ऐसे में जो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसके बारे में जब बात करेंगे ये कहती है कि हस्बैंड को अब उस स्टेट में जाकर केस लड़ने की जरूरत नहीं है वो जहां जिस स्टेट में रहता है वहीं से ऑनलाइन ही अपना केस अटेंड करेगा और अगर उसकी कोई गवाही भी होनी है तो वो भी कोर्ट कमिश्नर के थ्रू होगी मतलब उसको अपनी गवाही देने के लिए भी दूसरी स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में इस केस में हस्बैंड रहता है बेंगलोर में वाइफ रहती है उज्जैन में अब ऐसे में दोनों की शादी हो जाती है शादी होने के बाद भाई डिस्प्यूट क्रिएट होता है हस्बैंड सेक्शन ट्वेल्व हिंदू मैरिज एक्ट में केस फाइल करता है कि मेरीज मैरिज को नरल वर्ड डिक्लेयर किया जाए इस प्रकार से बेंगलोर कोर्ट के अंदर जो बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके अंदर पटिशन फाइल हो जाती है वाइफ के पास नोटिस जाता है नोटिस मिलते ही वाइफ सेक्शन नाइन हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन वन ट्वेंटी जो कि अब सेक्शन वन फोर्टी है उसके अंदर केस फाइल करती है और सुप्रीम कोर्ट आ जाती है ट्रांसफर पटीशन के लिए कि भी ये जो सेक्शन 12 का हिंदू मैरिज एक्ट में केस डाला हुआ इसको भी उज्जैन में ट्रांसफर कर दिया जाए क्योंकि ऑलरेडी मैं दो केस वहां फाइल कर चुकी हूं तो इस प्रकार से वो कोर्ट को प्रेशराइज करती है कि भी ऑलरेडी जब दो केस वहां चल रहे हैं तो ये तीसरा केस भी वहां चल सकता है ऐसे में हस्बैंड की तरफ से ये दलील दी जाती है कि भाई ठीक है आप भाई ट्रांसफ़र कर दीजिए लेकिन भाई मैं बार बार चक्कर कैसे काटूंगा मैं बेंगलोर में जॉब करता हूं मैं छुट्टी लेता हूं तो मेरी जॉब चली जाएगी पत्नी तो उज्जैन की है एम है मैं हूँ बेंगलोर दोनों स्टेटों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आने जाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर मैं फ़्लाइट यूज़ करता हूँ तो मेरा पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है अगर मैं छुट्टी लेता हूँ तो मेरी जॉब जाती है और मैटर भी अटेंड करना ज़रूरी है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर ये डायरेक्शन दी है हस्बैंड को कि उसको कोर्ट में जाकर अपील होने की जरूरत नहीं है वो ऑनलाइन ही अपना मैटर अटेंड करेगा कोर्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कहीं पर तो बुलाएगी वरना कोर्ट नहीं बुलाएगी इवन उसकी जो एविडेंस गवाही होनी है उस गवाही में भी कोर्ट उसको नहीं बुलाएगी उसकी गवाही भी वहीं बैठे बैठे ही होगी उसको क्या करना है कि जो बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां जाना है वहां पर उसके लिए कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट होगा वो सामने बैठेगा और तब उसकी ऑनलाइन उसकी क्रॉसिंग होगी उसकी गवाही होगी मतलब अपनी स्टेटमेंट में जिससे भी जो क्वेश्चन पुट करना है वो वहां पर पुट किया जाएगा कोर्ट कमिश्नर इसलिए अपॉइंट किया जाएगा ताकि वहां सामने खड़ा कोई भी आदमी उसको इशारे ना करे उसको कोई दिखाए ना कि आपको यह बोलना है तो इस प्रकार से ऑनलाइन ये क्रॉसिंग होगी तो इस प्रकार से अगर कोई भी ऐसा कोई मैटर है हस्बैंड के रिगार्डिंग जो कि ट्रांसफर पैटिसन लगी हुई है या ऑलरेडी भी ट्रांसफर मैटर हो चुका है आप उस केस में इस जजमेंट को लगा करके आप ऑनलाइन हीरिंग की परमिशन ले सकते हैं देखिए वैसे ऑनलाइन हेयरिंग की परमिशन दिल्ली में है दिल्ली में हर साहब के पास फैसिलिटी दी हुई है कि ऑनलाइन केस अटेंड कर सकते हैं लेकिन दिल्ली के बाहर ये जितनी भी कोर्ट है उनमें ये परमिशन नहीं है ऐसे में उनके लिए स्पेशल एक रूम बना हुआ है बना सभी जगह रखा है हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्पेशल एक रूम जहां जाकर उनको स्पेशल कनेक्ट करके मेट्रो को अटेंड करना पड़ता है लेकिन उसी कोर्ट में बैठे जहां पर ट्रायल कोर्ट चलती है वहां पर ये फैसिलिटी नहीं है लेकिन हस्बेंड को उसमें ये फायदा हुआ कि उसके लिए स्पेशल कोर्ट जाकर के रूम में बैठ करके और उसकी ऑनलाइन हियरिंग करेगी तो उसकी ये सेक्शन ट्वेल्व ही नहीं बाकी जो और केस है उसके अंदर भी अप्रोप्रेट ये अप्लीकेशन लग करके सारे केसों की हियरिंग एक साथ ही हो जाए करेगी तो ऐसे में हस्बैंड का पैसा और टाइम दोनों बच्चे का साथ में उसकी जॉब भी बच गई है अभी जजमेंट का आपको यूज़ कैसे करना है ये नहीं है कि आप हस्बैंड है तो आप ही यूज़ करेंगे आप अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए भी कर सकते हैं आपके पेरेंट्स हैं बीमार हैं या ज़्यादा उम्र हो चुकी है या आपके भाई बहन है जिनके अंदर जो पार्टी बनाए हुए केस के अंदर जैसे वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालती है उसके अंदर सबको पार्टी बना देती है या 85 फाइव बी एन एस की एफ आई रजिस्टर कराती है तो उसके अंदर भी सबको पार्टी बना देती है ऐसे में दूसरे स्टेटों में केस चलते हैं तो आपको तकलीफ होती है परेशानी होती है आना जाना टाइम वेस्ट होता है तो ऐसे में आप इस जजमेंट का सहारा लेकर के कोर्ट में अप्लीकेशन लगा करके परमिशन ले सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो आप हमको भी परमिशन दीजिए जब उस हस्बेंड को भी मिली है तो हमको भी मिलनी चाहिए तो इस प्रकार से इस जजमेंट का आप सभी की सभी हस्बैंड या उसके पक्ष वाले लाभ उठाइए बेनिफिट उठाइए अब इस केस के अंदर एक चीज़ और भी है कि जैसे भी इसके अंदर डायरेक्शन दिए अप्रोप्रिएट अप्लीकेशन आपको कोर्ट के अंदर लगानी है तो हस्बैंड का ये होता है कि भाई नॉर्मली अप्लीकेशन वो लगाएगा और नॉर्मली वो अलाउ हो भी जाएगी तो ये अप्लीकेशन अभी उज्जैन कोर्ट में लगी हुई है ये केस सुप्रीम कोर्ट में मेरे ही पास आया था इसके अंदर नई अपील हुआ था इसके अंदर आप देखेंगे जजमेंट में तो मेरा नाम भी लिखा हुआ है धीरज कुमार तो जब ये मैटर अटेंड किया तो ये सारे सारे फैक्ट रखे गए थे इन सभी पॉइंटों को रखा गया था हस्बैंड की जो मजबूरियाँ उनको रखा गया था और इसके रिगार्डिंग डायरेक्शन पास हुई अब ये मैटर उज्जैन में चल रहा है वाइफ ने जो दो केस डाले थे वे भी और ये वाला भी और उसके लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी लग भी चुकी है तो दोस्तों आपके पास भी अगर कोई ऐसी भाई सिचुएशन आती है या आपकी फैमिली मेम्बर्स के सामने आती है तो इस जजमेंट का आप फ़ायदा उठा सकते हैं जजमेंट की जो पीडीएफ कॉपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ और साथ में कमेंट पिन भी कर देता हूँ वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं छोटी जजमेंट है दो पेज की आपके लिए लेकिन बेनिफिट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की है तो ऑल ओवर इंडिया चलेगी आप हर हाई कोर्ट में इसको लगा सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट ये आए इसके लिए डायरेक्शन लिए आप अपने केस के जो भी हाई कोर्ट है जहाँ भी मैटर चल रहा है वहाँ जा करके इस जजमेंट की कॉपी को दिखा करके डायरेक्शन ले सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आई होगी तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार